नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी विधानसभा क्षेत्र अतरौली जनपद अलीगढ़ के महासचिव अंशुल भारद्वाज द्वारा नगर पालिका परिषद अतरौली में दुकानों के बिना किसी खुली बोली, बिना किसी नीलामी, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर किए गए फर्जी आवंटन से प्राप्त रकम का गबन कर लिए जाने के संबंध में सामाजिक संस्था स्वराज समिति अतरौली अलीगढ़ के सहयोग से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इन कार्रवाइयों को करने से रोकने के लिए दबाव बनाने की नीयत से अंशुल और सहयोगी संस्था स्वराज समिति के सचिव सौरभ के विरुद्ध फर्जी मुकदमे भी चलाए गए। बजाय निरंतर कार्रवाई पर बल दिया जाता रहा कार्रवाई रोकने के। 2013 में उजागर हुए इस भ्रष्टाचार पर निरंतर कार्रवाई किए जाने, दोषियों के दोषी पाए जाने और आवंटन को जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के स्तर से गलत पाए जाने और थाना सतर्कता अधिष्ठान आगरा द्वारा इस आशय का मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। निर्णय के आधार पर जिलाधिकारी महोदय और अलीगढ़ को संबोधित पत्र दिनांक 13 अगस्त 2021 के माध्यम से गबन घोटाले के आरोपियों की स्टाम्प के संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यहां वाद दायर कर वसूली और 32 दुकानों का फर्जी आवंटन निरस्त कर उनकी सार्वजनिक नीलामी के आधार पर आवंटन निरस्त कराए जाने, वर्तमान फर्जी आवंटन धारियों से प्रीमियम किराए की शेष धनराशि तत्काल वसूल किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया। 13 अगस्त 2021 को शासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की। फर्जी आवंटन द्वारा कब्जा और दखल प्राप्त करने वाले दुकानदार आज तक दुकानों पर काबिज और दाखिल हैं। इतना ही नहीं, मामले में फर्जी आवंटनधारी जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए तो उनके पक्ष का विरोध करने के लिए भी नगर पालिका परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी अतरौली प्रत्येक प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाने के लिए सतत रूप से काम करती रहेगी। आम आदमी पार्टी अतरौली द्वारा अंशुल भारद्वाज के संघर्ष की नगर पालिका की दुकानों में नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा इन दुकानों का आवंटन घोटाला किया गया। कौन कर्मचारी हैं? नानक चंद हैं, सीपी मिश्रा हैं, गुलतन सूरी हैं, ये दोनों अधिशासी अधिकारी थे, साजदा बेगम थी, रेखा शर्मा हैं, ये काफ़ी मिले हुए लोग थे। किस प्रकार का घोटाला हुआ है? इन लोगों ने प्रार्थना पत्र लेकर के एक दुकानें अपने सगे संबंधियों को आवंटन कर दी थी, उसके बाद में ये लोग ट्रांसफ़र करते थे उन दुकानों को और मनचाही कीमत वसूला करते थे। आपके द्वारा किस तरह का खुलासा किया गया? मेरे द्वारा 27 दिसंबर दुकान की मांग की गई थी, जिसको इन लोगों ने मेरे प्रार्थना पत्र को छुपा कर अन्य व्यक्ति को आवंटन दर्शाई गई थी। जब RTI में जाना, क्या आप दुकान दबाव बना कर लेना चाहते थे? दुकान तो कोई दबाव का कोई मसला ही नहीं था, मेरे द्वारा लिखित मांग की गई थी। किस तरह की लिखित मांग की गई थी? ADM प्रशासन को लिखित मांग की गई थी दुकान को नियम अनुसार मुझे अलॉट कर दिया जाए। आप नियमानुसार दुकान लेना चाहते थे जी, और आपका ये आरोप है कि नियम विरुद्ध ढंग से दुकानों का आवंटन फर्जी ढंग से कर दिया गया था, तो कितनी दुकानें हैं और किस प्रकार से दोषी पाए गए? ये लगभग दुकानें 43 हैं और अभी आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे, ये मंडी के नगर पालिका के फड़ हैं। यहाँ 17 नंबर फड़ पीछे एक दुकानदार को दे दिया गया है, साजदा बेगम के निजी संबंध होने के कारण आप इन्हें भी देख पा रहे होंगे। आप देखिएगा, ये मंडी के सारे फड़ हैं, इनको अलॉट किया गया है। दूसरी बात ये है कि जो 17 नंबर का फड़ है वो अपने निजी सगे संबंधी को में मिला दिया गया है, इस फड़ को गायब भी कर दिया। आपने जो खुलासा किया है उसको किस स्तर पर स्वीकार किया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार तो पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आज तक कार्रवाई शून्य है। इसमें जिला अधिकारी से लेकर के शासन प्रशासन तक लोग पूरी तरीके से लिप्त हैं। लगभग जाँचें आती रहीं, कार्रवाइयाँ होती रहीं, दवाएं रखी। कितना पुराना है मामला? मामला लगभग 2014 का है। आपके द्वारा सन 2014 में इसके बारे में लिखा पड़ी की? मेरे द्वारा 2015 में किया गया है। 2014 में IAS पुरकित खड़े थे, यहाँ SDM के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने 4 दुकानों का गबन पाया था 50 लाख रुपए का। मेरे द्वारा सन 2015 से कार्रवाई शुरू की गई थी। और 2015 से अब तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, कोई प्रभाव पड़ा है? किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये आलम है, सत्ता बदली, शासन बदला, प्रशासन बदला, लेकिन सबकी मानसिकता रूप एक ही रहा। क्या नगर पालिका परिषद अतरौली की दुकानों के जो फर्जी आवंटन से प्राप्त कब्जे हैं उनको खाली कराने कोई कार्रवाई हुई है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक नाम मात्र का नोटिस जारी किया गया था, दुकानदारों को हाईकोर्ट भेजा गया, हाईकोर्ट से इन लोगों को गुण दोष के आधार पर कार्रवाई के लिए भेजा था, लेकिन आज तक नगर पालिका शून्य है। नगर पालिका ने